कृष्ण और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। जदयू उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से, उनकी बातों से पहले से ही परेशान चल रही है। जहां बीते कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, जदयू को कमजोर बनाने को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद जदयू दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं तो दूसरे किनारे पर उपेंद्र कुशवाहा। तैयारी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर निकालने की जा रही है, जहां आलाकमान को उपेंद्र कुशवाहा की उस मीटिंग का इंतजार है जिसके बाद जदयू में कभी भी बड़ी हलचल हो सकती है। लेकिन इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की नींदें हराम कर दी है और ये नींद MF फैक्टर से हराम हुई। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जदयू के भीतर ये MF फैक्टर है क्या, जिससे कुशवाहा ने जदयू के शीर्ष नेतृत्व की नाक में दम कर रखा है। दरअसल जदयू में बागी रूप अख्तियार करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से पंगा लेने की ताकत कहां से मिल रही है? अगर जदयू में कुशवाहा की हैसियत सिर्फ एक प्राथमिक सदस्य या MLC भर की है, तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक कैसे बुला ली? महात्मा फुले समता परिषद से कुशवाहा का क्या रिश्ता है? इन दिनों बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बनी हुई, ऐसे कई सवाल हैं जो लोग जानना और समझना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा महात्मा फुले समता परिषद के संरक्षक हैं। कुशवाहा ने समता परिषद के माध्यम से जदयू के संस्थापकों में एक नीतीश कुमार की बिहार में निकली आभार यात्रा की सफलता के लिए मदद की थी। उसी समता परिषद और उसके संरक्षक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आज जदयू आंखें तरेर कर खड़ी है। पार्टी के हर बड़े नेता, चाहे वे नीतीश कुमार हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या फिर बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लगातार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 19 और 20 फरवरी को बुलाई गई बैठक में जाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की चेतावनी उमेश कुशवाहा ने दे दी। जदयू ने न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का कद कम किया है, बल्कि महात्मा फुले समता परिषद से किसी तरह के रिश्ते से इनकार किया है। यानी अगर कुशवाहा जदयू के प्राथमिक सदस्य से भी वंचित कर दिए जाते हैं, तो उनके पास फिलहाल महात्मा फुले समता परिषद का बैनर रह जाएगा। मूल रूप से महाराष्ट्र में निबंधित महात्मा फुले समता परिषद का बिहार आगमन उपेंद्र कुशवाहा की पहल पर ही संभव हुआ। स्वैच्छिक सेवा संगठन के तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM रहे छगन भुजबल ने इसका निबंधन 1 नवंबर 1992 को करवाया था। वे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। गौरतलब है कि महात्मा फुले समता परिषद और जदयू में पहले कोई भेदभाव नहीं दिखता था। परिषद के तमाम नेता किसी न किसी रूप से जदयू से जुड़े हुए थे। 2022 में नीतीश कुमार ने जब बिहार में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, तो समता परिषद ने राज्य भर में CM नीतीश कुमार का आभार जताने के लिए जिलों में एक ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उसके बाद नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले, तो समता परिषद के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसे सफल बनाया। आ चुकी उसी बैनर से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं और जदयू के बागी बन चुके हैं, इसीलिए पार्टी ने समता परिषद से दूरी बना ली है। अब तो साफ तौर पर जदयू ने ये कह दिया है कि महात्मा फुले समता परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको वो वक्त भी याद दिला दे जब जदयू ने पत्र जारी कर समता परिषद से मदद मांगी थी। ये 25 जून 2022 को हुआ था। आज जो जदयू समता फुले परिषद से आंखें तरेर रही है, ये वही जदयू है जब एक समय में इसने समता फुले परिषद से मदद तक मांगी थी। आज ये जदयू खुद को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि उसका इस परिषद से कोई लेना देना नहीं। हालांकि अगर उपेंद्र कुशवाहा को तमाम पदों से वंचित भी कर दिया जाए, तो उनके पास एक बैनर जरूर बच जाएगा, जिसके तहत वो बिहार की राजनीति में हड़कंप ला सकते हैं। शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा इतनी मजबूती से जदयू में रहकर बागी तेवर दिखा रहे हैं। पार्टी की मीटिंग उन्होंने बुला ली, हालांकि इसे पार्टी की मीटिंग शीर्ष नेतृत्व ने नहीं कहा है। कार्यकर्ताओं को बुलाने की हिम्मत की है उन्होंने। अब देखना यह है कि इस जदयू कार्यकर्ताओं की इस मीटिंग में जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बुलाई गई है, उसमें कौन कौन से कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं, और अगर होते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कैसा सलूक किया जाएगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।